अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सन इन्फोटेक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 7th पे कमीशन इंक्रीमेंट कैलकुलेटर, जिसे आप बआसानी अपनी एनुअल इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं हर वक्त आपके लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो कैलकुलेटर मैंने बनाया है, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपने एम्प्लॉय का नाम डालना है, जिसका इंक्रीमेंट आपने कैलकुलेट करना है, तो वहाँ यहाँ पर उसका नाम डालना है, यहाँ पर डेजिग्नेशन डालनी है, यहाँ पर करंट बेसिक पे डालना है। ठीक, तो जब आप यहाँ पर करंट बेसिक पे डालोगे तो कैलकुलेशन जो न्यू बेसिक पे जो बन जाएगी आफ्टर इंक्रीमेंट, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी इस सेल में। तो यहाँ पर ये लिखा है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। ठीक, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहले हम कोई एम्प्लॉय लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, जो ये पहला एम्प्लॉय है। इनकी बेसिक पे हम देखते हैं, यहाँ पर ये है 37,000। तो यहाँ पर हम ये 37,000 वैल्यू, यहाँ पर इस एम्प्लॉय का नाम पहले लिखते हैं। मैं इसका नाम ऐसे ही लिखूँगा, ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेट हो गई इसकी जो बेसिक पे बन जाती है आफ्टर इंक्रीमेंट, वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गई। ये है 38,100। अब हम इसको एक और एम्प्लॉय हम यहाँ पर डालेंगे ऐसे, यहाँ पर किसी और एम्प्लॉय के हम बेसिक पे देखेंगे। चलो इसकी देखते हैं, इसकी है 32,900 इस एम्प्लॉय की। ये हम डालेंगे यहाँ पर 32,900। यहाँ पर इसकी नई बेसिक पे बन गई 33,900। इस तरह से एक और एम्प्लॉय हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इस एम्प्लॉय की कैलकुलेशन हम करेंगे, 38,100 है इसकी बेसिक पे ऑन मार्च 2019। यहाँ पर डालेंगे 38,100, इसकी बन जाती है नई जो बेसिक पे है ऑन जुलाई 2019, वो बन जाती है 39,200। इसी तरह से कोई और एम्प्लॉय है, उसकी डेजिग्नेशन, ये यहाँ पर कोई एम्प्लॉय है, 46,200 है इनकी बेसिक पे, 46,000। हाँ, एक और बात आप ये बात नोट कर लीजिए, चाहे लेवल कोई भी हो, कोई भी लेवल हो, तो ये जो कैलकुलेटर है ये उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आप बेसिक पे डालोगे तो उसी हिसाब से इसकी ये जो इंक्रीमेंट है ये कैलकुलेट करेगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो मैं आपको ये चेक करके भी दिखाता हूँ। हम यहाँ पर ये जो पे मैट्रिक्स है इसको हम देखते हैं। चलो इस एम्प्लॉय का हम देखेंगे पहले, जिसका 37,000 था, 37,000। तो ये एक टीचर हैं जिनकी ग्रेड पे जो है वो है 2,800। ठीक है, तो इनकी ग्रेड पे है 2,800, तो उसी हिसाब से हम इसको पे मैट्रिक्स में देखेंगे, 37,000।
ये है पे मैट्रिक्स, यहाँ पर देख लीजिए ये है 2800, तो ये लेवल 5 में आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 37,000, ये देखिए यहाँ पर 37,000। तो 37,000 जब इसका इंक्रीमेंट मिलता है तो यहाँ पर ये जाता है 38,100 पे मैट्रिक्स के हिसाब से। तो आप देख लीजिए कि हम हमारा क्या निकला यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या निकलता है 38,100। यहाँ पर हम देखेंगे ये देखिए 38,100। इसी तरह से जो दूसरा एम्प्लॉय है इसकी भी है जो ग्रेड पे है वो है 28,000, 2800 सॉरी। तो इसकी जो यहाँ पर पे थी वो थी 32,900। तो इसको हम चेक करेंगे 32,900, ये देखिए यहाँ पर। तो इसकी जो जब इंक्रीमेंट लगती है तो वो बन जाता है 33,900। हम अपने कैलकुलेटर में देखेंगे तो ये बन जाता है 33,900। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ये जो एम्प्लॉय है यहाँ पर इनकी ग्रेड पे हुआ करती थी 4,200, ठीक है। तो 4,200 जो स्केल है उसमें हम देखेंगे ये 46,200 है यहाँ पर इसकी बेसिक पे मैट्रिक्स में हम देखते हैं 46,200, ये है 4,200। तो यहाँ पर देंगे 46,200, ये देखिए यहाँ पर 46,200। तो इसकी जब इंक्रीमेंट हो जाती है तो ये बन जाता है 47,600 पे मैट्रिक्स के हिसाब से। तो अब हम अपने कैलकुलेटर में देखेंगे ये देखिए 47,600, तो ये बिल्कुल ठीक निकलता है। इसी तरह से आप जो भी एम्प्लॉय है जिस जो जो किसी भी लेवल में जो आता है आप उसका यहाँ पर ये बेसिक पे डाल दीजिए। बेसिक पे डालने के बाद यहाँ पर उसकी इंक्रीमेंट खुद ब खुद लग जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए ये कैलकुलेटर बनाया है ताकि आप अच्छे से इस इंक्रीमेंट जो लग जाता है इसकी कैलकुलेशन कर पाओ और जल्दी जल्दी कर पाओ ताकि आपको बार बार पे मैट्रिक्स पर जाना ना पड़े। तो यहाँ पर नाम डाल दीजिए, यहाँ पर बेसिक पे डाल दीजिए, तो इंक्रीमेंट के बाद जो बेसिक पे बन जाती है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों आप को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर इस पर कमेंट कीजिए। और हाँ अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए तो एक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर जो यहाँ पर दिया हुआ है suninfotech@gmail.com। तो इस पर आप मुझे मेल कीजिए तो मैं आपको उस मेल के थ्रू ये कैलकुलेटर भेज दूँगा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।